हेलो स्टूडेंट, मैं आपको बिजनेस स्टडीज का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर प्लानिंग से कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। वो पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आप बहुत सारी चीजों के आंसर कर पाओगे। जैसे अगर कभी क्वेश्चन में आपसे पूछा हो फीचर या फिर नेचर पूछा हो, नेचर ऑफ प्लानिंग या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप सब जगह कोट कर सकते हो। उन पॉइंट्स को मैं केवल हेडिंग्स की फॉर्म में बता रही हूँ, तो आप देखिएगा। अगर हम प्लानिंग के बाद में बात करें तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज फ्यूचरिस्टिक। ये वर्ड अच्छा है, FUTURISTIC, फ्यूचरिस्टिक, या आप सिंपल लिख सकते हो फॉरवर्ड लुकिंग। इट इज फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो जो हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं वो सारे आप फीचर, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। एक और पॉइंट देखो, अगर कभी आपसे पूछा जाता है इम्पोर्टेंस पूछ रहे हैं या फिर सिग्निफिकेंस, तो ये दोनों वर्ड सिनोनिमस है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। यानी आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, तो आप ध्यान रखिए दोनों वर्ड सिनोनिमस है। यानी आप इसमें केवल एक पर्टिकुलर आंसर ही याद रखोगे। पहला पॉइंट ध्यान रखिए, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिए, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस के लिए बोला जाता है, इट इज मेन पॉइंट हैविंग अनसर्टेनिटी, बिजनेस इज अनसर्टेन, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिए, इट रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ आइडियाज, कह सकते हो आप ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो तो हम उन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट ध्यान रखिए, focuses attention on objective of the company, that is maximum utilization of resources। ये नोट्स आप एज इट इज अपने बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी कर सकते हो। इसमें एक और पॉइंट बता रही हूँ, दैट इज द मेन पॉइंट, इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग करते समय हमें किन पॉइंट्स पे अपने आप को लिमिट करना है या स्टॉप करना है, तो ध्यान रखिए, लीड टू रिजिडिटी। सेकेंड है, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्योंकि आप पहले से प्लान कर लेते हो, इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि हम बहुत सारे फीचर्स को वॉच आउट करते हैं। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्लानिंग का, लिमिटेशन के, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लैक ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हम इसे चेक नहीं कर सकते, लैक ऑफ एक्यूरेसी, इट इज एन आइडिया नॉट इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग प्रोसेस जरूरी है, तो प्लानिंग प्रोसेस में मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ आपको। प्लानिंग प्रोसेस जो एक क्राइटेरिया है उसके लिए देखिए हम कुछ फीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे।
सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग प्रोसेस में हम बाइफरकेशंस कर रहे हैं, तो पहले बाइफरकेशन में देखो आप क्या करोगे, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, यहाँ आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए डेवलपिंग, इस पॉइंट में आप कर रहे हो डेवलपिंग प्रीमाइसेस कि हमें कहाँ पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, यहाँ पे आप लिस्टिंग करोगे अल्टरनेटिव्स का। इसके लिए एक और पॉइंट देखिए सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द प्लान, आप प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे या एग्जीक्यूट करोगे। लास्ट वन इज फॉलो अप, तो इस टाइप के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। वी हैव टू बी 1000 विद इन फरवरी, तो ट्राई कीजिए कि आप मुझे सपोर्ट कर पाओ। मैं स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कर रही हूँ, बिजनेस के और आइडियाज जो है मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप बिजनेस स्टडी जैसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।